भारत के रत्न स्वरूप कर्पूरी ठाकुर जिन्होंने समाज सेवा पीड़ित वर्ग के लिए कार्य किया है। कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किए जाने पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने क्या कहा सुने। मैं कहूंगी कि हर ऐसे जो रत्न है, जो रत्न भारत माता के कहीं ना कहीं छुपे हुए थे, उनको लाकर बाहर सबके समक्ष रखने का प्रयास जो है वो जारी है। उस प्रयास में एक ये भी प्रयास है कि भारत माता के रत्न स्वरूप कर्पूरी ठाकुर जी, जिन्होंने समाज सेवा में बहुत अधिक कार्य किया और पीड़ित शोषित वंचित वर्ग के लिए खासतौर पे बहुत कार्य किया, और इमरजेंसी के दौरान जिस प्रकार का संघर्ष इन लोगों का रहा, और मैं थोड़ा बहुत परिचित हूँ उस समय से, तो उनको अगर भारत रत्न दिया जाता है तो एक ऐसे समाज की प्रेरणा वो बनते हैं जिस समाज के सामने शायद उनके जो उदाहरण है उसको पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता थी। और मैं प्रधानमंत्री जी का और उस पूरी टीम का जिसने ये सिलेक्शन किया आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि इतना सुंदर कार्य किया गया है जिसके अनुसार ऐसे बड़े बड़े कार्य को अंजाम दिया जा रहा है, और वो प्रेरणा स्वरूप व्यक्तित्व जो है आज की पीढ़ी के सामने आएगा। भाई उनके इस दुनिया से गए हुए ही 3 दशक से अधिक हो गए, 36 वर्ष हो चुके हैं, और 36 वर्ष जाने के बाद तो उनको भुला ही दिया गया था, लेकिन वापस उनके व्यक्तित्व को जब इस रूप में देखा जाता है, भारत रत्न के रूप में देखा जाता है, तो कहीं ना कहीं समाज में एक बहुत बड़ा संदेश स्थापित होता है, और वो संदेश हम सबके लिए भी एक गौरव का विषय है और प्रेरणा का विषय है। उनसे प्रेरित होकर हम सब कार्यरत रहे। अमारी तमाम माहिती थी अपडेट रहवा माटे जोड़ायेला रहो S9 न्यूज साथे।